लाइव शुरू हो जाए। यस वी आर लाइव साथियों, नमस्कार। मैं असल चौधरी फेसबुक पेज लाइव में और यूट्यूब लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पहले से थोड़ा विदित है, 11 बजे लाइव आने का मैंने बोला था और सुबह के 11 बज रहे हैं। नमस्कार रतिराम जी, अनिल जी, बरकत जी, अंकित जी, रमेश जी, जो भी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव जाए आप आए। सभी लोगों से चर्चा करनी है, युवा के हित की कोई बात करनी है। आज जो मैं बात करने आया हूं वो थोड़े से मुद्दे की है और मुद्दा रोजगार की है। राजस्थान का युवा 2013 से परेशान बैठा है। बिल्कुल सुभाष जी, खिलेरी जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इसी पत्ते की बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार की जो किस प्रकार की नीतियां हैं, क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है, किस प्रकार से युवा को गुमराह कर रही है। आप लोगों को पता है कि केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है और राज्य में कांग्रेस गवर्नमेंट है। आज जो बात कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी से हटके बात करें, क्योंकि युवा वोट डालता है, सबसे ज्यादा भागीदारी उसकी रहती है, सरकार बनती है, सरकार बनाता है और सरकार गिरता भी है। हर युवा ये होता है कि ये जब सरकार आएगी तो हमारे हित की बात की जाएगी, लेकिन लास्ट 7-8 सालों से राजस्थान का युवा पीछा जा रहा है। वर्तमान की जब सरकार आई है, कांग्रेस सरकार, इसने एक सिंगल पद पे विज्ञापन नहीं जारी किया है। 2020-21 का जो उन्होंने जो घोषणा में की थी बजट में, लगभग 53,000 पदों पे, उससे पहले 2019-20 में 75,000 पदों पे, और 2020-21 में स्पष्ट तौर से उन्होंने 41,000 से अधिक पदों शिक्षा विभाग बताया था, 5,000 गृह विभाग में बताया था यानी पुलिस में, लेकिन एक भी पद पे उन्होंने नियुक्ति नहीं दी है। एक बार जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस बात को पहुंचाए, शायद तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है अभी तक, इसमें फेसबुक में थोड़ा इश्यू है, नहीं पहुंचा। जितने भी फेसबुक ग्रुप्स है आप लोगों के पास में, जितने भी ब्रॉडकास्ट है वगैरह, इन सभी में भेजे आप। चलिए बात करता हूं मैं। राज्य के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी 24 दिसंबर को राज्य भर के युवाओं के जो आंदोलन हुआ था उसके पश्चात एक बात कहते हैं कि ये भर्ती हो जाने दीजिए, सरकार को शिक्षकों की आवश्यकता है विद्यालयों में, और हम नई भर्ती अनाउंस कर रहे हैं 31,000 पदों पे, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, और 3,000 पदों पे प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा। आज 9वां महीना चल रहा है सरकार को, लेकिन सरकार की डिलीवरी नहीं हुई है। ये सरकार खुद मुख्य रूप से युवा को, राजस्थान के युवाओं को एक तरीके से ये समझ रही है कि राजस्थान का युवा बेवकूफ है, और इनको जितना भी आपस में लड़ा दो, युवा को कहीं ना कहीं बहाने से लड़ा दो, चाहे बीएड बीएसटीसी वाला विवाद से लड़ा दो, चाहे युवा को, युवाओं के जो सरकार के खिलाफ कोई बोलता है उस पर कोई अंगुली उठवा दो, इस प्रकार का मुद्दा बना दो, जिससे क्या है राज्य की जो जनता है वो बेवकूफ बनती रही। आप लोगों को पता है कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल की आड़ में ये सरकार, इस सरकार को इतना कोरोना का पेट दर्द हो रहा है क्योंकि युवा कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन अब जो युवा है वो बोलेगा भी अपना हक का, अपने हक की आवाज भी लेके रहेगा। आप लोगों को पता है कि किस रोजगार नहीं दे रही है, पहले तो इनको भी लग रहा था, समय आ गया, हालात
जूते वाली बात आ गई, बिल्कुल आप देवेंद्र जी आपकी बात स्पष्ट है, सही बात है। इनको लग रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ युवा नहीं बोलता है, केंद्र रोजगार नहीं दे रहा है तो मीडिया ऐसी बात करती है, तो केंद्र सरकार की बात। अब राज्य सरकार ने भी अपने अपने स्तर पे थोड़ी थोड़ी मीडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी साहब ने, उनके खिलाफ कोई भी मीडिया नहीं बोलती है, आप लोगों को अच्छे से पता है। दूसरी बात यहीं से है कि राज्य सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उस पे अंगुलियां उठा दी जाती है, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वर्तमान में प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया है, रिजल्ट आते हुए 2.5 महीने लगा दिए, पहले रिजल्ट और अंतिम रिजल्ट में, या तो पहले ये 2.5 महीने से तैयार कर रहे थे। एक रिजल्ट आता है ज्योग्राफी का, काफी विवाद विषय चला है, काफी कॉल्स मैसेज मेरे पास युवा आ रहे हैं कि इस बात पे आप रख क्यों नहीं रहे, ये बात क्यों नहीं है। जिस रिजल्ट आया है उसमें स्पष्ट तौर से पता चल रहा है कि बड़े स्तर पे एक धांधली हुई है। अगर मैं बोलूंगा तो आप लोग गौर से सुने इस बात को कि राज्य में एक ऐसा ट्रेंड कर दिया है, जो मैं बोलता हूं तो मेरे अपोजिट एक बंदे को खड़ा कर दिया जाता है, मेरे अपोजिट कि ये तो ऐसा ही है। अगर आप बोलेंगे, सच बोलेंगे तो आपके खिलाफ भी एक बंदा खड़ा हो जाएगा। अब फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की बात करें तो 5 लोग बाहर भी आएंगे, बोलेंगे भी कि हमारा हक छीना जा रहा है। वो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो काबिल नहीं थे, लगातार कभी सिलेक्ट हुए क्या? 20, 13, 14, 15, 16, 18 ये रोल नंबर सिलेक्ट हो रहे हैं, कंटिन्यू रोल नंबर सिलेक्ट हो रहे हैं, एक सेंटर पे हो रहे हैं, एक बड़े स्तर पे धांधली होने के संकेत है। कभी नहीं हुआ वो, अब हुआ है। पिछली बार गहलोत साहब बोलते थे प्रदेशवासियों, पहली बार हुआ राजस्थान में। मैं कह रहा हूं राजस्थान घोटालों की सरकार है, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पे घोटाला हुआ है। बड़े स्तर पे घोटाला नहीं होता तो ये सरकार उस एग्जाम को, पूरे युवा इसके खिलाफ थे, पूरे राज्य के युवा खिलाफ थे, लेकिन ये तुले हुए थे। और सुनने में तो मेरे ये भी आ रहा है माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि माननीय शिक्षा मंत्री के जो बेटे की जो कोचिंग शिक्र में चल रही है उसके बारे में तथाकथित बातें निकल आ रही है, शायद तक सच हो, कितनी सच्चाई है। क्योंकि ये जो लोग जो ऐसे काम करते हैं ना, मान लीजिए जो लोग ऐसे कहते हैं भैया इतने में ये करवा दूंगा, इतने में ये करवा दूंगा, आज एक बड़े मंच पे बोल रहा हूं मैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बोलेंगे तो डर लगेंगे, अपने पास कोई प्रूफ नहीं है। ये जो लोग बड़े स्तर पे, माननीय शिक्षा मंत्री जितने बड़े स्तर पे जब इन लोग की कोचिंग चलती है, इनके बेटे की कोचिंग चलती है, जिनमें जा जाके ये बार बार कुछ ना कुछ देते लेते हैं, कभी टाइम देते हैं, बड़े स्तर की जो ये कोचिंग चल रही है, उन लोगों में लोगों को ये कहा जाता है कि आपको गारंटी से पास करा रहे हैं, गारंटेड बैच के नाम से बैच लगाते हैं, गारंटेड बैच। किस आधार पे ये गारंटी से पास करा सकते हैं जबकि इनको पता ही नहीं होता पेपर में क्या आना है, सिलेबस ही तो कराते हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कई लोगों के सिलेक्शन हो गए, कई लोगों के नहीं हो पाए ना, तो लोग उनकी कोचिंगों के बाहर चक्कर लगा रहे हैं गाड़ियां ले लेके, हमारे रुपए वापिस दो, ये दो वो दो। ये तो तथाकथित है, अभी तक बातें मेरे सामने आ रही है, पूरी बातें मैं रखूंगा। दूसरी बात, ज्योग्राफी का जो पेपर है ये एक ऐसा हवा तैयार कर देते हैं कि 2000 लोगों में से 1800 लोग तो मेहनत करके लगते हैं, 200 सीटें इन्होंने ऐसे सेट कर रखते हैं जिनमें अपने बंदे लगाते हैं। अब उन 1800 लोगों को अग्रेसिव कर देते हैं, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि गड़बड़ हुई है तो वो 1800 लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं क्यों तेरे को हम ऐसे लगते हैं, हम गड़बड़ वाले लगते हैं, हम स्वाभिमानी है, ये है वो है। मैं उन लोगों के बारे में गलत नहीं कह रहा हूं जो मेहनत करते हैं, जो 1800 लोग लगे हैं, 2000 लोग लगे हैं, उनकी नहीं कह रहा हूं जो मेहनत से लगे हैं, लेकिन उन बीच में जो दलालों के माध्यम से जो सक्रिय हुए हैं और जिन्होंने ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब एक रेप होता है तब आप बाहर निकल आते हैं, जब एक छोटी सी बात होती है कोई लड़की की छेड़खानी होती है तब आप बाहर निकल आते हैं, जब हिंदू मुस्लिम की बात होती है तब बाहर निकल आते हैं। आपके अब करियर की बात हो रही है, करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बड़े स्तर पे किया जा रहा है।
तब आप कोई बाहर नहीं निकलते हैं, व्हाट्सएप पे बैठे बैठे, व्हाट्सएप पे ग्रुप में बोलते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, किसी की कभी डोटासरा जी की बोल दो, कभी गहलोत जी की बोल देते हो, कभी बोलते हो मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलूंगा, कभी कहते हो सरकार के खिलाफ हूं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं जो गलत उसके खिलाफ, सरकार गलत है। मैंने खुद इस सरकार के पक्ष में वोट डाला था, इस सरकार को लाने, अगर किसी युवा का बोल होता है तो उस युवा में शामिल भी था। लेकिन अब मैं खुद बोल रहा हूं ये सरकार गलत है और इस सरकार ने युवा को परेशान कर रखा है। शिक्षा मंत्री जी को अपने अकॉर्डिंग टाइम होना जरूरी है, जिसमें से इनको रिव्यू मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, रुपए मिलते हैं, बीएसटीसी बीएड उनके एग्जाम कैंडिडेट आ रही है, लेकिन रेट का अभी तक पैटर्न परीक्षा फाइनल नहीं पा रही है। क्या पैटर्न होगा, कब होगा, कैसे होगा? बच्चे एक बार एक कोचिंगों में रुपए दे रहे, माननीय शिक्षा मंत्री जी के बेटे की कोचिंग में आ जाके पेपर एक करवा रही है, दो करवा रही है, किसी को पता ही नहीं है। फिर कभी खुद लाइव आके जब युवा आक्रोश होता है बात बोलते हैं तो नेताजी के द्वारा कुछ तथाकथित रूप से कुछ चमचे आगे आ जाते हैं, नहीं नहीं हमारे नेताजी ऐसे नहीं है, हमें ऐसे काम करवाना है। और तो और कुछ मीडिया वाले भी पोस्ट डाल देते हैं भाई कि जल्दी अब तैयारियां पूरी है, काम आपका होने वाला है। उससे क्या होता है 20-30% लोग तैयार हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसे तो ऐसे ही कर रहे हैं, रीट का नोटिफिकेशन नहीं जारी करवा रहे हैं। अरे नोटिफिकेशन तो जारी करवाए, लोगों की नौकरी खा चुके हैं, ये लोग नौकरियां खा चुके हैं। 2013 की भर्तियां आज 2555 दिन हो गए, सूचना सहायक 2013 लगभग 6300 पद पे भर्ती आई, 2000 पदों में से 1974 पदों पे वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन इस सरकार को युवा से कोई मतलब नहीं है। बताऊंगा आपको क्या करना है, इंतजार करें। पहले तो आप सभी लोग जो लाइव जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाए ताकि हम बात को अपनी प्रमुखता से रख सके। ये सरकार की कमी है, एक नंबर की कमी है, इसको कोई मतलब नहीं है युवाओं से, युवा के मामले से। इसको कोर्ट का डर नहीं है, कोर्ट की अवमानना करते हैं। 2016 का कोर्ट का आदेश आ गया, डीबी में ले गए। 2016 का इंग्लिश में उर्मिला देवी, युवा को रोजगार दे रहे हो या टाइम पास कर रहे हो आप लोग? युवा अपने हक की बात मांग रहा है। 18 का ऑर्डर आ गया, 17 का ऑर्डर आ गया, ये चैलेंज करने पे तुले हैं, चैलेंज करने पे तुले हैं, क्योंकि युवा घर पे बैठा है एक नेता के भरोसे। अरे नेता के भरोसे कुछ नहीं होना है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग घर पे बैठे रहते हैं और आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों को लगता है बाहर आ गए तो कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, यार को लिख जाएगा, गवर्नमेंट तो आपको सब भी हथकंडे अपनाएगी। अरे गवर्नमेंट को लाने वाले तुम लोग हो, गवर्नमेंट को बनाने वाले तुम लोग हो। कौन कहता है 18 की बेटी नहीं आएगी? अगर आप लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे तब कुछ नहीं आएगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ले आओ। 1998 वाले का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पड़ा है, अवहेलना कर रहे हैं आप लोग। एक बात और सुने, जो लोग सिलेक्टेड है एनपीएस या जो न्यू पेंशन स्कीम वाला और ओल्ड पेंशन स्कीम वाला, उसमें भी आदेश हो चुका है कोर्ट का, लेकिन गवर्नमेंट के कानों के जू नहीं रह रही है। अगर आप हक की बात जानते हैं, हक की बात कर सकते हैं, तो आप रिक्वेस्ट ना करें, याचना ना करें, सिर्फ सीधा सीधा रन करें इस गवर्नमेंट के खिलाफ। आप लोग को 2-3 बात और बताता हूं। एएसओ भर्ती नाम सुना है, बड़ा घोटाला हुआ है उसमें, बड़ा घोटाला हुआ है। युवा एकत्रित होते हैं, कोर्ट में जाते हैं, सबूत नहीं होता है, कोर्ट सबूत मांगता है। सबूत कैसे होंगे? अगर आप किसी को रुपए देके काम करवा रहे हो तो आप ये कहोगे कि भैया सबूत छोड़ देना, जो रुपए देगा वो पूरी जड़ मिटा के रुपए देता है भैया, अपने दिक्कत नहीं आने देता है। बड़े स्तर पे ओमार भरी जा रही है। एएसओ भर्ती में लोगों को नंबर आ रहे हैं, जिस भर्ती में कट ऑफ जा रही है बहुत लो, और लोगों के नंबर आ रहे हैं 90% से ऊपर। एक के आए तो ठीक है, एक एक परिवार के 13-13 लोगों के आ रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं तारीख फिक्स करूंगा आंदोलन की, आप चिंता ना करें, मेरे पास पूरी टीम है। कल की भी मैं प्लानिंग बताऊंगा आपको,
आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, पहले शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोग जब तक बात हर युवा तक नहीं पहुंचेगी, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं कहूंगा अगर कोई केस बनेगा, कोई आंदोलन पे कोई आरोप लगेगा तो मेरे लगेगा, आप लोग मेरा साथ दे। क्योंकि राजस्थान का युवा याचना ही करना चाहता है, रन करना चाहता है। 2016 हो चाहे 17 हो, नौकरी खा रही है, आपके पैसे खा रही है, इनके दलाल सक्रिय है, नई भर्तियों में ये लगने नहीं दे रहे किसी को, सिर्फ इनके रिश्तेदार, इसके नाते लोग लग रहे हैं। राजस्थान की सबसे भ्रष्ट सरकार है जो इसको लगता है केंद्र में मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे, युवा नहीं बोल रहा है, राजस्थान में युवा चुप बैठा है। केंद्र में के लिए बैठा है तो राजस्थान में बैठ जाएगा, जाहिर सी बात है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं ये लोग, क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप लोग केंद्र के खिलाफ बोल नहीं सकते, मोदी जी प्यारे हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो वो केंद्र पे आरोप लगा देगा, हम क्या करें, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। सेकंड ग्रेड का रिजल्ट में आपको आंसर की जारी नहीं की गई, जबकि आप लोगों को पता है 2012 में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर से आदेश दिया, जो एक कोचिंग थी जोधपुर की कोचिंग है उत्कर्ष के मामले में, स्पष्ट तौर से आदेश दिया था कि आंसर की जारी करनी है। आंसर की जारी की है, नंबर जारी किए हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद आप पंजाबी विषय में देख लेना, सेकंड ग्रेड के बहुत बड़ा घोटाला आपको लिखेगा मिलेगा। 2012 में कम नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं, बड़े नंबर वाले घर बैठे हैं और रुपए बेरोजगार एंड जा रहे हैं वकीलों के माध्यम से। साठगांठ इस सरकार की भी है और सबसे बड़ी साठगांठ आप लोगों की है जो घर बैठे हैं और घर बैठे अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। आपको शर्म आती है कि अगर शेयर कर दूंगा तो कोई ये कह देगा ये असलम के ग्रुप का है, ये ग्रुप का है। इस बात भी आपको शर्म आती है क्योंकि आप लोग तो मिलता है उससे संतुष्ट है, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, आप लोग कहीं तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकते, आपको शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, दूसरी बड़ी बात, कल राजस्थान रोजगार महासंघ जो मैं संगठन चाह रहा हूं, मेरे बड़े भाई साहब रोहित जी नाथ से साल पे मुझे वहां से नियुक्त किया था। आज क्लियर रही है क्या? एक बार थोड़ी आज की एक बार वापस से पुष्टि करें कमेंट के द्वारा कि मेरी आवाज सही आ रही है क्या आप लोगों तक, एक दो मैसेज करें आप लोग। जगदीश जी स्वामी कर रहा हूं मैं कोशिश, बताइए आप लोग कमेंट करके। शायद तक जगदीश जी आप, आपके अलावा बाकी सभी को आ रही है। चलो आगे बात कर रहा हूं मैं, दूसरी बात में मेरी कि कल पूरे राज्य में आप लोग अपने क्षेत्र में माननीय लोटा सा डोटा सा झूठा सा स्पष्ट बोल रहा हूं जिसने आपके हक को मारा है, जो लोग झूठ बोलता है जब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरे राजस्थान में हर जिला स्तर पे, हर तहसील स्तर पे इसका पुतला दहन करो। मेरे नंबर ले लीजिए, मेरे नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझे बताया कि इस क्षेत्र का मैं पुतला दहन कर दूंगा। हर राजस्थान की मेरी टीम है, 33 जिलों पे है, 33 जिलों के अलावा उनके तहसील में है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप टोटल तहसील स्तर पे कल पुतला जलाए। 2 सितंबर को उसने डेट दी थी ना एग्जाम कंडक्ट करवाने की, तो आप 2 सितंबर को पूरे राजस्थान में पुतला जलाए। और सोशल मीडिया ही तो है हमारे पास सारा कुछ, सोशल मीडिया के अलावा हमारे पास क्या होता है? हमारे पास सोशल मीडिया तो है ना, तो सभी अपनी डीपी पे, जो अपनी डीपी होती है उस पे, मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल का, उस पे मैंने एक डीपी डाल दी है, राजस्थान का युवा मांगे रोजगार। सभी अपनी डीपी लगाए और सभी वही बेरोजगार व्यक्ति जो बेरोजगार है वो सभी ये मंत्री एमएलए इनकी नाक में दम कर दो। उनको पता चलना चाहिए उनकी हर पोस्ट पे
उनकी हर पोस्ट को शेयर करते हुए ये लिखे, जो रीट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं उनको रीट्वीट करते हुए उनको ये बात लिखे कि हमें रोजगार चाहिए, ये तुम्हारी बातें नहीं चाहिए। कौन अजय माकन आ रहा है, कौन फलाना माकन आ रहा है, तुम्हारा होगा आपका, हमें रोजगार चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम उसका स्वागत करने जा रहे हो, तुमसे पैटर्न निर्धारित नहीं हो रहा। 2 साल से जिस शिक्षा मंत्री से पैटर्न का निर्धारण नहीं हो पाया, वो क्या खाक रीट का एग्जाम करवा देगा, वो खाक आपको नौकरी दे देगा। लेकिन आपको बताऊं क्या, लास्ट 2 साल से 500 ट्रांसफर कर दिए बिना पॉलिसी के, सभी की लिस्ट तैयार हो रही है, मैं सभी के सामने रखूंगा आपको किस प्रकार से ये एपीओ करवाता है। कल 2 सितंबर को पुतला जलाना है राहुल जी ढाका, कल 2 सितंबर सभी जिला, आप ये सोच रहे हो कि हमें दिक्कत हो जाएगी कोरोना की, 5 व्यक्ति लेकर जला दो, मीडिया में दो, पूरे राजस्थान में अलग जानी चाहिए इस भ्रष्ट मंत्री के नाम की, पुतला जलाए सभी राजस्थान में। आप लोग क्या मानते हो, आप लोग चुप बैठे हो, 587 सीटें इन्होंने पिछली सरकार की काट ली, एलटीसी वाले चुप बैठे हैं, 587 सीटें इन्होंने खा ली आपकी। राजस्थान पुलिस के बारे में कहते हैं 10,000 पदों पर वैकेंसी लाएंगे, 5,000 की दो, यानी 5,000 के रूप में 2 बार युवाओं से रुपए ठगे जाएंगे, एग्जाम एक का ही नहीं करवाना है, जब बीएसटीसी का एग्जाम हो सकता है 6-6.5 लाख लोगों का, जब नीट जीए का एग्जाम हो सकता है, केंद्र सरकार कुछ करे उसके खिलाफ बोलने तैयार हो जाते हैं मासे जी। बिहार में इनको दिख रहा है बेरोजगार, दिख रहा है बिहार का, राजस्थान का नहीं दिख रहा है। अरे अगर बिहार के चुनाव की इतनी टेंशन है, राजस्थान का यूथ कांग्रेस का जो ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है उससे बोला जा रहा है कि बहुत हुई बेरोजगारों की मार, बिहार में लाचार सरकार, इस प्रकार के जब ये डाल रहे हैं राजस्थान का यूथ कांग्रेस, तो ये राजस्थान के बारे में क्यों नहीं डाल रहे हैं, या फिर इनको अगली बार चुनाव बिहार से ही लड़ना है, या राजस्थान की कांग्रेस बिहारी ही है, बिहारी नहीं है, इनको बिहार में ही जाना है, या फिर राजस्थान से इनका कोई लेना नहीं है, ये राजस्थान का युवा इनको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको यूपी बिहार की टेंशन है तो यूपी बिहार में जाके चुनाव लड़े, अशोक जी गहलोत हो चाहे कुछ और भी हो। और तीसरी बात, कल पुतला के सभी अपने स्तर पे शिक्षा मंत्री का चाहिए सभी स्तर पे। दूसरी बात, आप लोग बार बार कह रहे हैं आंदोलन कब करें, आंदोलन करें, 10 दिन का समय दे रहे हैं, 10 सितंबर तक, आज 1 सितंबर है, मैं अपने लेटर हेड पे भी लिख के दूंगा, 11 सितंबर को राजस्थान का युवा बड़ा आंदोलन करेगा, राजस्थान रोजगार महासंघ हो चाहे कोई भी संघ हो, जो साथ है उसका स्वागत है। 11 सितंबर को जो लोग मेरे साथ है वो ज्यादा से ज्यादा इस बात को शेयर करें, 11 सितंबर से राजस्थान का युवा जयपुर की सड़कों पर उतरेगा। मेरी खुद की टीम है, जो लोग ये कह रहे हैं हम घर बैठे देखेंगे, तो मेरी गारंटी अगर केस लगे, मुकदमा लगे, जो होगा मेरी संतुलित टीम उसमें काम करेगी, सोशल डिस्टेंस हो चाहे कोरोना का जो महामारी का जो इश्यू है, सभी तरीके से बात को मैं ध्यान में रखते हुए काम करूंगा। 11 सितंबर को 11-9 को, आप बात समझ ले, 11 सितंबर को हम आंदोलन करेंगे पूरे राजस्थान में। जो लोग मेरे साथ है वो मुझे पर्सनली मैसेज करें, जो मेरे साथ इस आंदोलन में मेरे साथ है, मेरे नंबर डाले हुए हैं, टेक्स्ट एसएमएस करें चाहे व्हाट्सएप से करें, आप लोग बोले मेरे साथ निकले, फर्स्ट ग्रेड भी निकाल के रहूंगा, निकलवा के रहूंगा इनसे, और रीट 31,000 पदों की वैकेंसी निकलवा के रहूंगा। ये तो बड़ी बात है जो इन्होंने हाम भर रखी है, ये तो निकलनी है, युवा मांगेगा। लेकिन जो पेंडिंग भर्तियां हैं 2013-12 वाली और 2016-17-18 वाली, जिनके कोर्ट के आदेश हो चुके हैं, उनके लिए भी युवा सड़क पे आएगा 11 सितंबर को, पूरे राजस्थान के युवा यहां पे सड़कों पे आएगा, या पंचायती चौधरी नहीं करेगा, सीधे अपने हक की बात करेगा, और मुझे जरूरत नहीं है इसी सरकार की, हमें युवाओं को जरूरत नहीं है सरकार की, या तो वो उस बात पे अपना स्टैंड क्लियर करे, युवा की बात को समझता है, अगर नहीं समझता है तो इस ऐसी सरकार की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 11 सितंबर को राजस्थान 10 दिन समय दे रहे हैं, मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय से बोल रहा हूं कि 10 दिन के लिए माननीय है, वरना एक नंबर के हरामी है जो युवा विरोधी है, ये शब्द मेरे कभी नहीं थे इस प्रकार के। लेकिन सीधी सीधी बात यह है, आप अगर खुद
कैंपेन नहीं चलाएंगे तो आप, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप अभी मेरे फेसबुक पेज से नोटिफिकेशन नहीं जाने की वजह से बहुत कम लोग लाइव आए, लेकिन बहुत सारे लोगों को आप पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। पोस्ट मैं डालूंगा, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। इसके अलावा ये जो राजस्थान का कुंभकर्ण है ना, डोटासरा जी, जो घोषणा करके 6 महीने अचेतन अवस्था में चले जाता है, इसको पद से हटाना है और इसको जगाना है। इसको पता चलना चाहिए युद्ध क्या है। अपने बेटे को 85% नंबर आ जाते हैं इनके बेटे के, और कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि राजस्थान का युवा सहनशील है, बेवकूफ है या गुंगा है या इसको दिखता नहीं अंधा है। एक भर्ती 2013 में 4th ग्रेड की सांख्यिकी विभाग में आई थी, लगभग 266 पदों पे। फार्म भरा लिए, रुपए ले लिए, अभी तक उसका अता पता नहीं है 2013 से कब का कितने रुपए लोगों को खा रहे हैं। पूरा राजस्थान इसमें अगर मेरे साथ आ रहा है, सूचना सहायक की जो भर्ती 2013 से, युवा रोज रोज बार बार निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, लेकिन उसकी युवा की हक की बात कोई नहीं करता है। राजस्थान के कोई भी MLA, चाहे कांग्रेस का हो चाहे BJP का हो, आपके क्षेत्र में आए, अपने विधानसभा क्षेत्र में आए, जरूरी नहीं है आपके घर पे वोट मांगने भी आएगा, वो 4 साल बाद 3 साल बाद आएगा, लेकिन कभी भी कहीं भी कोई भी प्रोग्राम करे उसको काले झंडे दिखाओ और वहां से रवाना करो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे BJP का हो। क्योंकि आपको पता है पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट ने कहा था आज से 2 महीने पहले कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही थाली के टट्टे पट्टे हैं। ये आपको दिखा कुछ और है, वोट लेते हैं एक बार उठ जाए, एक बार मैं बैठ जाऊं, युवा को गुमराह करते हैं, हम लड़ते रहते हैं कांग्रेस BJP के नाम पे। तो आप लोगों से अपील है, कल शिक्षा मंत्री का पुतला जलाए, 10 दिन का अल्टीमेट दे पूरे राजस्थान में। 11 सितंबर से राजस्थान रोजगार महासंघ सभी लंबित भर्तियों और नई वैकेंसियों के लिए, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, कैलेंडर जारी नहीं करते हैं, बाहरी राज्य का कोटा फिक्स नहीं करते हैं, ये हमारी सीटें खा रहे हैं। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी जोड़ते हैं इनको, कंप्यूटर टीचर की, ये बोल देते केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लागू की है, डोटासरा जी आ जाते हैं, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति काम की नहीं है। अरे तुम्हारी शिक्षा नीति कहां पे है? तुम अपनी एक शिक्षा नीति लेके आ जाओ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9251530007 9251530007 नंबर पर व्यक्तिगत रूप से आप मैसेज या व्हाट्सएप करें जो मेरे साथ आना चाहता है, और कल जो पुतला दहन करना चाहता है, मान लीजिए कोटा वाला कोई बंदा है, वो कह देगा कोटा में दहन करना सर, अपने टीम के बताइए, तो मैं अपने टीम के बताऊंगा। कोई कहेगा कोटपुली करना चाहता हूँ, कोई कहता है बाड़ में रहना चाहता हूँ, पूरे 33 जिले में मेरे कार्यकारिणी है। मैंने लगभग से डिस्कस करने की कोशिश की मेरे कार्यकारिणी से, और कई उसे नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो मेरी बात को मानते हैं, इस बात को सिर आंखों पर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हक की बात है, ये मेरी बात नहीं है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। युवा बार बार मोदी चिल्ला रहा है, कोई कहता है मैं गहलोत के साथ हूं, हमें तो गहलोत साथ रहेंगे, हमें मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी करें, मुख्यमंत्री जी का हम खिलाफ बोल देंगे। अरे खिलाफ नहीं बोलोगे तब तक ये कुछ करने वाले नहीं है। सचिन पायलट ने खिलाफ की थी, पता है ना आप लोगों को, खुद को जेल में करवा दिया पूरी सरकार को, इनका खुद का बंदा, और आप इनके आगे आगे हाथ जोड़ते हो, साहब दे दो, ये देने वाले नहीं है, इनके हलक से निकाल के लेके आओ। इनको पता चलना चाहिए पूरे राजस्थान का युवा किस प्रकार से प्रभावित है। 2018 की वेटिंग नहीं आ रही है, और युवा गुमराह कर देते हैं, एक बंदे खड़ा कर देते हैं, अपने बंदा ये कह देता है कि भैया इतने दिनों बस नया पैटर्न तैयारी हो रहा है और हो रहा है। कल आपको एक तो फोटो मिल रही है, फोटो मैं डाल रहा हूं, टेलीग्राम पेज पे चैनल पे डाल दी गई है, डाल दिए अभी ये लिंक इस पे है। एक ट्विटर उठाए आप लोग, ट्विटर सभी लोग ट्विटर अकाउंट पे जुड़े, ट्विटर वार करें इस सरकार के खिलाफ। युवा मांगे रोजगार नाम से, राजस्थान का युवा मांगे रोजगार नाम की DP है, वो अपने फेसबुक पे डीपी लगाए, व्हाट्सएप DP लगाए। अगर आप राजस्थान के हो, अगर आप अपने हक की लड़ाई के लिए आप आगे नहीं आ सकते,
अगर आप हक की लड़ाई के लिए आगे नहीं आ सकते तो आप समझ ले आज से आप जिंदा नहीं है। वो राजस्थान का युवा नहीं है, ये राजस्थान का गौरवशाली इतिहास को आप मिट्टिया मिल कर रहे हो। मैं आपको कह रहा हूं, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का केस लगेगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, मेरी टीम की होगी, मेरे संगठन की होगी, मैं लूंगा उसकी जिम्मेदारी। आप लोग मेरे साथ आए 11 सितंबर को, कैसे डरना नहीं है, कोई केस नहीं लग देंगे, अपने हक की बात करेंगे। 11 सितंबर को राजस्थान का, 10 सितंबर तक तो इसको टाइम दिया जा रहा है, अल्टीमेट दिया जा रहा है, और 11 सितंबर को राजस्थान रोजगार महासंघ एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है पूरे राजस्थान में। बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया है, बहुत सारे बड़े बड़े जो यूट्यूबर भी है, बहुत सारे, आपको पता है मीडिया मेरी बात नहीं पूछाएगा, मीडिया को कवरेज करवाया गया है। मीडिया, आप अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मीडिया इस प्रकार की बातों को ना पहुंचाए, लेकिन आपकी तो जिम्मेदारी बनती है। आप लोग सिर्फ बात सुन सकते हैं, आपको बस सुनने में स्वाद आता है भाई, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार से कोई क्या बात जा रही है। आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस बात को सभी लोगों तक पहुंचाए। 10 सितंबर तक हम अल्टीमेट दे रहे हैं सरकार को, और 11 सितंबर एक डेट थी, हालांकि आतंकी हमले के लिए जाना जाता था, लेकिन ये जो आतंकी है राजस्थान की सरकार में जो बैठे हुए हैं, इनको हिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपकी कोई भी भर्ती की मांग है मैं रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप साथ तो दे। हम बार बार अलग अलग हो जाते हैं, ये 18 वाला है, 16 वाला है, 17 वाला है, 13 वाला है, 12 वाला है, अरे एक साथ आए सभी भर्तियों में पेचीदगी सरकार ने कर रखी है और आप लोगों को गुमराह कर रही है। रीट के नाम पे झूठ बोलता है, ये कहता है कि हाँ ठीक है, बस बहुत से नाम जी लिख रहे हैं, आ रही है बेरोजगारों की सवारी, कल जो ट्रेंड किया था बेरोजगारों की सवारी के नाम से। आप लोग इस राजस्थान की गवर्नमेंट की, कल मैंने 2 दिन पहले जो ट्विटर वार किया था, शिक्षा मंत्री द्वारा इस्तीफा दो, वो भी बहुत अच्छा ट्रेंड किया, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया था, उन लोगों का भी बहुत सारा धन्यवाद। लेकिन आप लोग बाहर निकले, ये लोग एक और देखे, बहुत सारे अधिकारी अपने कोर्ट से आदेश लेके आते हैं और अधिकारी को चैलेंज कर देते हैं कि हम तो बैठे हैं, हम तो निठल्ले बैठे हैं, ये आंदोलन केवल राजस्थान का नहीं, ये आगे जाएगा अगर आप साथ दें तो। हम तो निठल्ले बैठे हैं, आंदोलन करने वाले बैठे हैं, इस आपको जगह स्थान सबका निर्धारण कर दिया जाएगा। एक ऐसा कानून लगवाएं कि जो अधिकारी, अधिकारी कुछ नहीं करता, उस पर दबाव मंत्री का होता है, लेकिन अधिकारी के पास अगर ऐसा कानून हो कि उसको मानना ही पड़ेगा जो कोर्ट की अवमानना करता है, जो छात्रहित की बात है। बच्चे जाते सिंगल बेंच से जीत के आते हैं, फिर डीबी में ले जाते हैं, डीबी से जीत के आते हैं सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, इनको 2 साल लटकाए रखो, 2 साल में जितने भी जो अधिकारी इस प्रकार की अपील करता है, इस प्रकार की सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील करता है, डबल बेंच भी, डिवीजन बेंच भी ये फैसला दे देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी दे देता है। अगर ऐसा होता है तो जितने दिन जो जिस बच्चे की या विद्यार्थी की या अभ्यर्थी की सैलरी कटती है, जो मिलती नहीं है, जो तनख्वाह होती है, जो सरकार बचाने की कोशिश करती है, उसका जिम्मेदार वो डीबी में अपील करने वाला अधिकारी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो डीबी में अपील करने वाला अधिकारी होना चाहिए जिसकी खुद के जेब से दे तो वो कभी भी डीबी में अपील नहीं करेगा। युवा के हित की बात को एक तरफ से सरकार कहती है हम रोजगार दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, मुझे तो एक पोस्ट दिखा दे अशोक गहलोत जी, हाँ बार बार ट्विटर पे कर रहे हैं, एक पोस्ट दिखा दे जिसमें आपकी सरकार आई है और एक पोस्ट पे विज्ञापन जारी किया है और उसमें नियुक्ति दे दी है। 2018 सेकंड ग्रेड की इन्होंने दी है पिछली सरकार का, इन्होंने डबल रिजल्ट निकाल देते हैं, 2 गुना रिजल्ट निकाल देते हैं, प्रोविजनल का खेल चलाते हैं, फिर धीरे से सेट कर देते हैं, अपने बंदे से ओमार बढ़ा देते हैं, कोई नहीं देखता, सब खेल चल रहा है और कोई किसी के पास सबूत नहीं होता है। भैया जो काम करता है वो सबूत छोड़ता नहीं है, ये बहुत बड़े चोर है, बहुत बड़े चोर है जो बिल्कुल किसी भी प्रकार की सबूत गिरने नहीं देते।
कंप्यूटर जी टीचर के लिए बोला राहुल जी ने, आप सभी लोग बाहर निकले, ये बात पहुंचाए ज्यादा से ज्यादा युवा तक, आप लोग सब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन करना है पूरे राजस्थान में, और एक फर्स्ट ग्रेड की 14% सीटें कट गई, उसके बारे में नहीं बोला, 14% सीटें, क्योंकि हम लोग चुप बैठे हैं, हम ये 14 की 39% काट देंगे आपके। अगर हक की लड़ेंगे तो 700 युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो भी एक एजेंसी है 700 युवा की, लेकिन आप बोलते नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की 14% सीटें कट रही है, कोई आगे नहीं आता, कोई बोलता है तो उसको कहता है कुछ नहीं होना है। 11 सितंबर को पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा, आप लोग इस बात को समझे, राजस्थान रोजगार महासंघ के बैनर तले, और कोई भी साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। मैं चाहता हूं इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी जिम्मेदारी है मेरे साथ देने की, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद।